ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से अच्छी खबर आई है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसके कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। यूनिवर्सिटी को भरोसा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका करेगी। भारतीयों के लिए खुशी की बात ये है कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस परियोजना में शामिल है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ब्राजील में ह्यूमन ट्रायल में शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन ने वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी की वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन के पूरी तरह से सफल होने को लेकर आश्वस्त है। होने के बाद अब दूसरी कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत हो गई है। अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने बुधवार से कोरोना वायरस के अपने संभावित वैक्सीन ZycoV-D का इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। ह्यूमन ट्रायल के लिए जाइडस कैडिला 1000 से अधिक लोगों को शामिल करेगा। इसके लिए देश में कई क्लिनिकल रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। ZycoV-D के पहले ह्यूमन डोज के साथ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले और दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही इंसानों पर ट्रायल के लिए अनुमति हासिल करने वाली जाइडस कैडिला देश की दूसरी कंपनी बन गई है। राइट कॉन्जुगेट वैक्सीन के पूरे क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे बाजार में लाने की मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को पुणे की फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये टीका इंट्रामस्कुलर यानी पेशियों में लगाया जाने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि निमोनिया और नवजात शिशु में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के चलते होने वाले निमोनिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन के भारत में 3 चरणों में क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले DCGI से अप्रूवल लिया था। कंपनी ने भारत के अलावा गैम्बिया में भी इसका ट्रायल किया है। वैक्सीन का इंसानी परीक्षण पटना के एम्स में शुरू होने जा रहा है। सरकार ने कहा था कि देश में बनी वैक्सीन का 13 बड़े संस्थानों में इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इसका ट्रायल 2 स्टेज में किया जाएगा। वैक्सीन के इंसानी ट्रायल के लिए पटना एम्स में 18 वॉलंटियर्स भी चुन लिए गए हैं। इस करीब 10 लाख हो जाएंगे। अनुमान में ये भी कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में हालात सुधरते भी हैं तो 20 लाख पहुंच सकती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक IISc ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं। उनके मुताबिक 1 नवंबर तक भारत में 1.2 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जबकि 1 जनवरी तक भारत में इस खतरनाक वायरस से 10 लाख लोगों की जान जा सकती है।